जा रहा हूँ। मुझे निशा चोपड़ा से मिलना है। अरे भाई ऊपर जाने की परमिशन नहीं है ना पीछे। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उतरो उतरो। अरे उतरो। अरे चल यहाँ से। पर मैं निशा से मिल बाला नहीं जा सकते। चल देख इधर विमल काले बैठा है। फालतू में लफड़ा होगा। इसका भाई रमन काले यहाँ का दादा है। मुझे कुछ नहीं पता। निशा से मिलना है मुझे। फिलहाल निशा चोपड़ा को मेरे होटल के कमरे में ले गया। मुझे नहीं लगता हुआ है। अरे आएगी कैसे नहीं साली। मेरी निशा को गाली देगा तू? तेरी निशा को गाली देगा? मेरी निशा को गाली देगा? गाली देगा मेरी निशा को? मेरी निशा को? हाँ बाल गाली देगा तू? क्या? तुम्हारे दोस्त ने विमल कालिया को पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया? रमन कालिया के भाई को? हाँ अल्दी भाई, अब रमन कालिया उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भला आदमी बेकार में मारा जाएगा। रमन कालिया के भाई को मारा? तू फिक्र मत कर, हम कुछ करता हूं। फोन करके आता हूं। चंदर, विमल कालिया शहर के जिस किसी भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में है उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ये आप क्या कह रहे हैं हल्दी भाई? रमन काले के साथ तो हम लोगों का पहले से 36 का आंकड़ा है और उसका भाई मारा गया तो गैंग वार खुलेआम सड़कों पे होगी। पुलिस लाशें गिनते थक जाएगी हल्दी भाई। वो लड़का हमारी गैंग का है? नहीं हल्दी भाई। हमारे धंधे के साथ उसका कोई लेना देना है? नहीं हल्दी भाई। किसी ने उसको हमारे साथ देखा है? नहीं हल्दी भाई। जब हमारे आदमी ने मर्डर नहीं किया तो गैंग वार किस बात का? जा बेटा फिनिश कर दे उसे। लिया ना तूने मेरे भाई को मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल किसने बोला तुझे मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल हल्दी नाम कितना पैसा दिया मेरे भाई को मारने के लिए? मैंने हत्या नहीं की। ये झूठ बोलता है साला। हाँ, अगर ये हल्दीराम का आदमी नहीं है तो सड़क पर नाचने वाली के लिए मेरा भाई। हल्दी भाई, हवालात में रमन कालिया मार डालेगा अर्जुन को। अरे अपने भाई की मौत का बदला तो लेगा ही। शिवा, 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 अर्जुन, शिवा, अर्जुन तू हवालात से कैसे आया? मैं हवालात से भागकर आया हूँ। मुझे अभी इसी वक्त निशा से मिलना है। पागल हो गया तू? देख, तू इसी वक्त यहाँ से ऋषिकेश चला जा, नहीं तो पुलिस या रमन कालिया दोनों में से कोई तुम्हें मार डालेंगे। मृत्यु का भय मेरे अंदर से समाप्त हो गया शिवा। मैं यहाँ निशा से मिलने आया हूँ और उससे मिलकर रहूंगा। हल्दी भाई, ये निशा है, आप इसका पता ढूंढ दीजिए। ढूंढता हूं, लेकिन तुम बाहर मत निकलना, बाहर पुलिस की बहुत नाकाबंदी होगी। शिवा, तू इसे अंदर ले जा। जा। धन्यवाद। चंदर, मुझे रमन का यमराज मिल गया है। अब इस बारूद के ढेर को चिंगारी कैसे देनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अर्जुन, शिवा, ये मैंने पता लगा लिया। मुझे यहीं के लोगों ने बताया, कुछ लोग जीप में बैठकर आए थे, घर वालों को बाहर निकाला, आग लगाकर चले गए। पर निशा कहाँ है? निशा नहीं है, उसके रिश्तेदार आए थे, उसे उठाकर ले गए। कहाँ ले गए? अब ये मुझे नहीं पता। अब तू चल पता करते हैं। अभी पता करते हैं। अरे, चल पता। अरे शिवा, हम पता लगा लिया हूँ, रमन कालिया और उसके आदमियों ने ही आग लगाई। अरे ससुरा कालिया, कसम खा लिया कि जैसे तू उसके भाई को बेरहमी से कत्ल किया वैसे ही वो तुम्हारी निशा को तड़पा तड़पा के मारेगा। मैं रमन कालिया को समाप्त कर दूंगा। अरे तू उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस फोर्स में उसकी तूती बोलती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके तलवे चाटते हैं। अरे उसका बहुत बड़ा गैंग है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं।
उसकी जड़ें चाहे जितनी भी मजबूत हों, मैं एक एक करके सबको उखाड़ दूंगा। पागल हो गया अर्जुन, ये तेरे अकेले के बस की बात नहीं है। अरे शिवा, हल्दीराम की आंख में क्या सुअर का बाल है जो इसको अकेला लड़ने को छोड़ देगा? अगर तुम्हारी इतनी जिद है तो ठीक है, रमन कालिया के खिलाफ तुम्हारी जंग में हल्दीराम की पूरी ताकत तुम्हारे साथ है पंडित। इस वक्त रमन कालिया कहां मिलेगा? ये अख्तर, सिगरेट लाना जी। एक के बाद एक पंडित रमन कालिया के आदमियों को मारता गया। हल्दीराम के चंगुल में आकर वो गुनाह के कैसे चक्रव्यूह में फंस गया जहां से वो शिवा, वो शिवा डॉक्टर, तिवारी। यस सर। शिवा का अंतिम संस्कार पुलिस कस्टडी में होगा, मीडिया को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। जॉन साहब, अब मेरा ख्याल है शिवा के डाइंग स्टेटमेंट के बेसिस पर हम हल्दीराम को फाइनली अरेस्ट कर सकते हैं। ये वकील आया कि नहीं? पैसों के पीछे छिपकर तेरे गुनाह नहीं छिपेंगे। अदालत में तेरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे गलत फहमी हो गई दैया। हल्दीराम, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत है, अब तू नहीं बचेगा। हल्दीराम, तेरे गैंग का आदमी शिवा जो हमारी कस्टडी में है, उसने हमें सब कुछ बता दिया। शिवा? अरे कौन शिवा भैया, हम किसी शिवा को नहीं जानते, हम तो सिमदी का भगत है। अरे है कोई अंधेर नगरी में हमारी बात सुनने वाला? ये कोतवाल जबरदस्ती हम देहाती अनपढ़ गवार को उठा लिए। सर, ये है श्री हल्दीराम के एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स। तुम पुलिसिया अपने आप को क्या समझते हो? अरे हमारा नाम हल्दीराम है। चलो, हम कल भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सरदर्द थे और हमेशा रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक मना रखा है लोगों ने। एक ही तरीका है, हल्दीराम की गैंग का कोई आदमी सरकारी गांव बन जाए। उनकी गैंग का आदमी हमारा प्रवर क्यों बनेगा? मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या? शिवा ने जिस लड़की का जिक्र किया, निशा चोपड़ा, उसे हेडक्वार्टर बुलवाइए। शिवा का डाइंग स्टेटमेंट दर्ज करने के बावजूद भी वो हल्दीराम जमानत लेने में कामयाब हो गया। तुम उसको बेवकूफ समझता है? अगर पुलिस डिपार्टमेंट में मरा आदमी है तो उसका भी पुलिस वालों के साथ घुसपैठ है। अब जो करना मेरे को करना। मैं जब जेल के बाहर जाएगा तो सबसे पहले हल्दीराम की रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा, और वो रीढ़ का हड्डी है पंडित। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूं कि आप पुलिस की मदद करें। मुझसे कैसी मदद चाहते हैं आप? डिपार्टमेंट चाहता है कि पंडित हल्दीराम के खिलाफ सरकारी गवाह बने, और इस काम के लिए आप पंडित को कन्विंस कर सकते हैं। I'm sorry सर, आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन है। मेरे कहने से पंडित सरकारी गवाह क्यों बनेगा? क्यों? तुम्हारे कहने से पहली बार वो हथियार उठा सकता है, तुम्हारे कहने से पहली बार जुर्म कर सकता है, तुम्हारे कहने से पहली बार कानून तोड़ सकता है, तो क्या तुम्हारे कहने से एक बार सरकारी गवाह नहीं बन सकता? तो आप कहना चाहते हैं कि पंडित की गुनहगार मैं हूँ? गुनहगार तो तुम हो ही निशा चोपड़ा, क्योंकि तुमने ऐसे हालात पैदा किए हैं जिससे एक सीधा साधा भोला इंसान गुनहगारों का पंडित बन गया। मेरा बस चले तो पंडित से पहले मैं तुम्हें गिरफ्तार कर दूं और सजा दिलवाऊं। I've had enough. पुलिस डिपार्टमेंट का काम ये नहीं कि एक सिटीजन को धमकी दे, उसकी इंसल्ट करे।
बल्कि आपका काम है क्रिमिनल को अरेस्ट करें, उसे सजा दिलवाएं। फाइनली पंडित हर क्रिमिनल की तरह पकड़ा जाएगा, उसे फांसी भी हो जाएगी, और शायद उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। Can I go now? Yes, thank you very much. पंडित की जिंदगी तुमने तबाह कर ही दी, उसे सरकारी गवाह बनाकर। कम से कम एक बार तो उसका भला कर दो। पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया है। वो कहते हैं कि मेरे कहने पर पंडित सरकारी गवाह बन जाएगा। इमरान, मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ, क्या लेना देना just, है मेरा? Just relax. We will discuss this later. मैं नमाज पढ़ के अभी आया। निशा? कैसी हो तुम? तंग आ गई हूँ मैं। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये दुर्गति हो गई है कि इस शहर की सड़कों पर डर डर के चलना पड़ता है मुझे। अपने ही घर में दहशत और खौफ में जी रही हूँ मैं, और अब तो पुलिस वाले भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। नर्क बना दिया तुमने मेरी जिंदगी। निशा, मैं आज तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूँ। मैंने पंचांग से मुहूर्त निकाला है। इस महीने की 27 तारीख को हमारे विवाह की तिथि निकली है। समय बहुत कम है, इसलिए इन कार्डों में से कोई भी कार्ड पसंद कर लो, आज ही छपवाने हैं। तुमने ये सोचा कैसे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी? अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो भूल जाओ इसे, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, नफरत। एक गुनहगार के साथ शादी करने से तो बेहतर होगा कि मैं भी अपनी बहन की तरह आत्महत्या करूं। बहुत हो गया। अब मैंने तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना। निशा, मैं अपराधी बना क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया, और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं था बल्कि तुमने मेरे साथ षड्यंत्र रचाया था, तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया निशा। और तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित यही है कि तुम मुझसे विवाह करोगी। बंद करो अपनी ये बकवास। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन कर रही हूँ, और वो यही तुम्हारा इनकाउंटर करेंगे। रुक जाओ निशा। क्यों, मौत का नाम सुनते ही डर गए? नहीं, जब कोई नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके सामने से नहीं गुजरते, समझी? निशा, जब तुम पुलिस कमिश्नर से बात करोगी तो उन्हें 27 तारीख को हमारे विवाह का न्योता जरूर देना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम समझते क्या अपने आप को? मैं तुमसे शादी करूंगी? I'll have your arrested Arjun Dixit. तुम्हें फांसी होगी। निशा, are you all right? मैं अर्जुन को किसी सुनसान जगह पर बुलाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी, फिर ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेवकूफों की तरह बात मत करो निशा। पुलिस आज तक खुद पंडित को गिरफ्तार नहीं कर पाई, इसीलिए वो तुम्हारे कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। तुम्हारा और पंडित का जाति झगड़ा है, एब्सोल्युटली पर्सनल। तुम्हारा अपना मसला है, तुम्हें खुद ही सुलझाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? पर इमरान, मैं क्या करूं, कैसे करूं? ही इज मेड माय लाइफ मिजरेबल, और पुलिस समझती है कि अर्जुन दीक्षित को पंडित बनाने की जिम्मेदार मैं हूं। वो तो तुम हो। शट अप। ये सब क्या है पापा? शगुन। किसका शगुन? पंडित और उसके आदमी यहाँ आए। पंडित ने तेरी बहन की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई, धूप दिया दिखाकर माफी मांगी, और अपनी तरफ से आज तेरे साथ सगाई पक्की करके गया है। ये अंगूठी भी रखकर गया। बस करिए। को फोन देना। अच्छा, जरा होल्ड करना। आपका फोन है? मुझे किसी से बात नहीं करनी। आपकी निशा का फोन है। निशा? हेलो निशा, निशा का फोन है? देखना भी फिर पागल हो जाए। जॉनी हफीज, निशा मुझसे मिलना चाहती है कल सुबह।
बारिश का भूत। माशूक मिली तो खुमार है, ना मिली तो बुखार।